अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन मींस मालूमात, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डेटा हम प्रोसेसिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब क्लास यहाँ पे प्रोसेस वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि प्रोसेस का क्या मतलब है। प्रोसेसिंग का मतलब है इट इज एन एक्शन, ये एक एक्शन है इन विच कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। इसमें कंप्यूटर जो है वो किसी भी किस्म का जो डाटा उसमें ऐड किया जाता है उसको क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है, उसे हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा, कंप्यूटर किसी भी किस्म के डाटा की प्रोसेसिंग करेगा एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और किसी यूजफुल मुफीद इंफॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट कर देगा, उसे हम कहेंगे कि हमने उसकी प्रोसेसिंग कर दी है। जो हमने उसमें डाटा इंसर्ट किया है हमने उसको क्या कर दिया, उसको प्रोसेस करके आगे जो है मजीद जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है आईसीटी। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज। आईसीटी जो है मुखफ किसका है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इट इज डिफाइंड एज साइंटिफिक मैथड, इसको हम डिफाइन करेंगे एज साइंटिफिक मैथड, साइंटिफिक मैथड के तौर पर, एंड मीन्स टू स्टोर, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी किस्म के डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए, एंड ट्रांसमिट और उसको मुंतकिल करने के लिए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को दी है इन सेकेंड्स में हम उसे क्या कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर में क्या कर लेंगे, हम इसे स्टोर कर लेंगे, मतलब उसे हम सेव कर लेंगे। फिर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम जो फोल्डर ओपन करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ से सर्च आउट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आईसीटी। जो अभी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि जिसका मेन पर्पस क्या था, कि ये स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आईसीटी जो है वो ब्लेंड है दो फील्ड्स का, वो किसके दो फील्ड जो है वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड वन इज टेली कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू अरेंज इट, जो भी हमने इसमें डाटा ऐड किया है उसे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है, जो भी उसकी तरतीब हमने देनी है डाटा की हम उसे अरेंज फॉर्म में लेकर आएंगे फॉर प्रॉपर यूज, ताकि हम उसका अच्छे तरीके से क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, एंड टू कम्युनिकेट टू अदर्स, और हम जो है वो दूसरे के साथ जो है वो आसानी से क्या कर सकें, बातचीत कर सकें, उसे कम्युनिकेट कर सकें, अपने मैसेज को जो है या जो भी हमने अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर की है अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे तक मुंतकिल कर सकें आसानी से। नेक्स्ट वन इज टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है, द मैथड दैट इज यूज टू, वो मैथड जो कि इस्तेमाल होता है टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए या कम्युनिकेट आगे ट्रांसफर करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए इंफॉर्मेशन मालूमात को टू फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज की जगहों पर अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, वो ब्रांच जो है किसके साथ रिलेट करती है, वो ब्रांच रिलेट करती है टेली कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने क्लास पढ़ा है इंफॉर्मेशन क्या होता है, आईसीटी क्या है, आईसीटी जो है वो किन फील्ड्स का ब्लेंड है, किन फील्ड्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस, के सीबीआईएस के पार्ट्स कौन कौन से हैं। सीबीआईएस के पार्ट्स जो है वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर एंड पीपल। हार्डवेयर क्लास क्या होगा, ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। अब फिजिकल पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स जिसे आप आसानी से जो है वो देख भी सकते हैं और उसे टच भी कर सकते हैं, वो तमाम जो है वो क्या होते हैं, वो उसके फिजिकल पार्ट्स हैं जिसे आप आसानी से जो है वो व्यू कर सकते हैं, वो हार्डवेयर पार्ट्स हैं। अब हार्डवेयर पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, उसमें इनपुट डिवाइसेस भी आ जाएंगी और आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, इट रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये रेफर करता है किसी भी किस्म के कंप्यूटर प्रोग्राम को। जब तक हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को ऐड नहीं करेंगे तब तक जो है वो हार्डवेयर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर ऐड होंगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकता है, अदरवाइज कंप्यूटर अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं करेगा। और सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा सिस्टम है, वो एक मैनुअल सिस्टम है। मैनुअल मीन्स मैनमेड सिस्टम, वो मैनमेड सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम है जब इंसान जो है उसे ट्रांसमिट करेगा अपनी इंफॉर्मेशन को, देन जो है वो या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसमें ऐड करेगा, फिर वो कंप्यूटर जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट करेगा। अदरवाइज हार्डवेयर जो है वो आप लोगों का कंप्यूटर के पार्ट्स जो है, वो पार्ट्स जो फिजिकल पार्ट्स हैं, अगर वो अकेले हैं जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ऐड नहीं किया तो वो हार्डवेयर पार्ट जो है कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वे इज डाटा। डाटा की डेफिनेशन क्या होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। जितने भी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जितने भी हकाइक और मालूमात वगैरह हैं, वो सारे हमारे डाटा में शामिल होंगे। जो भी हमने कंप्यूटर में डाटा ऐड करना है वो सारे उसके फिगर्स या फैक्ट्स होंगे।
अगर हम कंप्यूटर को में डाटा इंसर्ट करेंगे तो ही जो है कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद अपनी हमारी इंफॉर्मेशन को जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन सबसे पहले उसे क्या करेगा, अरेंज करेगा, देन जो है वो अपनी वर्किंग जो है फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेगा। उसके लिए कंप्यूटर में किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए डाटा को ऐड करना जो है बेहद जरूरी है। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रूल्स टू डिजाइन एंड यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रोसीजर क्या है, किसी भी सेट इंफॉर्मेशन के सेट्स होते हैं एंड रूल्स होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। जो रूल्स डिजाइन किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोसीजर्स। नेक्स्ट वन इज पीपल। किसी भी सीबीआई सिस्टम में अगर हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, डाटा होगा, प्रोसीजर होगा, तो इसमें जब तक जो है वो पीपल नहीं होंगे तब तक जो है वो हमें उसकी कामयाबी का या नाकामी का पता नहीं चलेगा। ये हम लोग ही हैं जो हम डिसाइड करेंगे कि ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो फेलियर की जानी जा रहा है या वो जो है वो अपनी कामयाबी को शो कर रहा है या अपनी नाकामी को शो कर रहा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। एवरी सी बी एस नीड्स पीपल। हर सी बी एस को लोगों की जरूरत होती है। टेल अबाउट द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि किसी भी सिस्टम की जो है वो कामयाबी और नाकामी को डिसाइड करते हैं कि ये जो है वो आगे सो और ये क्लास पीपल ही डिसाइड करेंगे कि हर सी बी एस सिस्टम जो है वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है या आगे सिस्टम जो है वो मूव कर सकता है या आगे सिस्टम मूव आउट नहीं कर सकता। सो आज के लेक्चर में क्लास हमने क्या पढ़ा है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया है। उसमें जो ब्रांच मेन ब्रांच इस्तेमाल होती है वो है आईसीटी। हमने आईसीटी को डिफाइन किया है, उसकी फील्ड्स के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद हमने सीबीआईएस के सिस्टम्स के कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि वो पार्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होते हैं।